महात्मा गांधी का भी बिगड़ गया था। अपनी कथा, कक्षा आठ में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ। ये कथा कितने लोग सुन चुके हैं, और जो नहीं सुने हर तो इसको कहें कि दूसरी कहें, यही चलो ठीक है। कक्षा साल में 2 साल लगातार फेल हुआ, 3रे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया है। किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ी के चूटी के टांग मेरे समझ में ना आया। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है, हम कह पहले हमारे लिख दो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हम ना लिखा। हम कहा वो चिल्लाओ ना लिख दियो, नहीं अब बेटा पहरवा जब पहरिया बो तो हा भाई करो डर रही। हम स्वरूप से तब डरा बाज रहे हैं, बात नहीं है। तो वही गेटवे पर तोहार हतवा और गड़वा दोनों दूर है। अब बाल बाल तिवारी सरावा के एक तिवारी जी टीचर रहे, उन्हें लड़का रहा, वो बड़ा जोर चिल्ला। तब तक हमारे पड़ोस में एक शिवशंकर तिवारी भी मर गए बेचारे, वो आगे गाड़ी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है। हम कहा गुरु जी हमें समझ में नहीं आवत, हम ऐसे कही थे हमार लिख दो पहले। तो बड़े जोर नाराज हुए, कहे कि नहीं ठीक है, नहीं चलेगा। हम कहा गुरु जी कुर्सी मेज पास हो गया, क्या रहन चला गए, हम यही अठहन बैठा, ऐसे ना करो। एक शिव पूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो पढ़ाई लिखाई बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये खेलने बहुत अच्छा है। हम खेलने बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन। फिर हम पास हो गए और 57% नंबर पाकर पास हुए। और जानते हो बुद्धिमान कितना थे, हमने कहा भैया लिखो लेकिन पेंसिल से लिखो, नहीं अगर तुहार राइटिंग हो हमार राइटिंग में डिफरेंस आएगा तो हम विधान खो जा क्यों कंप्लेंट कह दे। तो हम कहा तू पेंसिल से लिखो, हम सहज चढ़ाई कर हो गया काम। और उसके बाद भैया नीम के पेड़ के नीचे लेते थे, आइए कभी गांव में दिखाएंगे। और मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया, यहीं से बात सीरियस हो जाती है, कि मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया ब्रजभूषण सिंह दिक्कत कहां, खेलने में अच्छे, हाथ पैर में अच्छे, कोनो खास सुंदर नहीं लेकिन मीडियम तो कहा जा सकत है, कहां दिक्कत। और मेरे बच्चों एक शेर है कि जिंदगी भर तो हुई गुप्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुप्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। और एक रात की वो बात जो मैंने अपने आप से की, उसी कारण आज मैं आपके सामने सांसद बनकर के खड़ा हूं।
अगर मैंने अपने आप से बात न की होती, अपनी समीक्षा न की होती, अपनी कमी को ढूंढा न होता और अपनी कमी को उठा करके फेंक न दिया होता, तो आज आपके सामने खड़ा नहीं होता।